हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष पांडे, वेलकम इन माय इंग्लिश क्लास। टुडे टॉपिक इज रिलेटेड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टेट एग्जाम्स, स्पेशली बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एन एंड द। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू यूज द आर्टिकल्स ए एन एंड द इन योर सेंटेंसेस। यह वीडियो टेट एग्जाम के उन प्रश्नों पर आधारित है जो आर्टिकल से संबंधित होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आर्टिकल तीन है, ए एन एंड द, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं। इनका यूज हम वाक्यों में कैसे करेंगे यह आपको जानना है। इस तरह से देर आर 10 क्वेश्चंस बिफोर यू व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन टेट एग्जाम्स इन द लास्ट ईयर। इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया जाएगा किस तरह से ए एन और द का उचित यूज वाक्य में किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय आशुतोष पांडे, इसमें सबसे पहले आर्टिकल्स का ही नॉलेज दिया गया है। आर्टिकल से संबंधित 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आर्टिकल की बृहद जानकारी के लिए आपको उन वीडियोस को देखना होगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से उन वीडियोस को देख सकते हैं, तो आर्टिकल्स की बृहद जानकारी आपको हो सकती है। हालांकि आज इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं प्रयास करूंगा कि आपको आर्टिकल्स की अच्छी जानकारी हो जाए और परीक्षा में आप आर्टिकल से संबंधित सारे क्वेश्चन हल करके। जैसा कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, अर्थात सही आर्टिकल के माध्यम से खाली स्थान की पूर्ति करें। अब नीचे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो टेट एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आई सॉ, यहां ब्लैंक है, यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट। अब आपको इस खाली स्थान पर था ब्लैंक पर आर्टिकल ए एन और द में से क्या भरना है, क्या उचित है यह जानकारी प्राप्त करना। देर आर टू ब्लैंक, दो खाली स्थान है इस वाक्य में, एक यहां यूरोपियन के पहले और एक एलिफेंट के पहले। जैसा कि लिखा, आई सॉ, मैंने देखा। अब स्टूडेंट्स यहां पर उनको जो प्राइमरी स्तर की जानकारी दी जाती है तो कुछ टीचर्स बता देते हैं कि यदि कोई वर्ड वावल से शुरू हो, जैसा कि वावल 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, उनसे किसी वर्ड की शुरुआत हो तो एन का प्रयोग होता। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ एन का यूज कर देंगे, लेकिन वह गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि जो शब्द आपके सामने हो, यदि उस शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हिंदी के व्यंजन से हो तो हम वहां ए का यूज करेंगे, भले ही वह अंग्रेजी का स्वर पहला अक्षर रखता हो, अर्थात शब्द का पहला अक्षर चाहे अंग्रेजी का वावेल हो, स्वर हो, लेकिन यदि उस शब्द का ध्वनि, उस शब्द का उच्चारण व्यंजन से हो, हिंदी के व्यंजन से हो, तो वहां ए का यूज किया जाए। और इसी तरह इसके विपरीत, यदि अंग्रेजी का कोई शब्द जिसका पहला अक्षर व्यंजन हो,
लेकिन उसकी ध्वनि, उसका स्वर, उसका उच्चारण वावेल से हो, स्वर से हो, तो वहां आयन का यूज करेंगे। तो ऑन द होल अर्थात कुल मिलाकर स्पष्ट हो गया कि यदि शब्द का उच्चारण व्यंजन से होगा, हिंदी के व्यंजन से होगा, तो ए का प्रयोग करेंगे, और यदि शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से होगा तो आयन का यूज करेंगे। जैसा कि यूरोपियन, यूरोपियन जब आप हिंदी में लिखेंगे तो यूरोपियन, यह आया, यह व्यंजन हिंदी का, तो आपको बताया गया हिंदी का व्यंजन है उच्चारण में आता है तो ए का प्रयोग करें, आ, तो ऐसा आ यूरोपियन, आयन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन से, हिंदी के व्यंजन से, तो उच्चार से मतलब होता, अच्छे से मतलब नहीं होता। तो ऐसा यूरोपियन राइडिंग ऑन, अब यहां एलिफेंट, एलिफेंट के हिंदी में लिखेंगे तो उसका पहला अच्छा ए आएगा, ए का मतलब हिंदी का स्वर, तो जब स्वर आया तो आयन का यूज होना चाहिए, तो हो गया ऐसा यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, ये सही स्वरूप ले लिए। इसी तरह दूसरा वाक्य है, दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक है एम पी इन बिहार, ये एब्रीविएशन है, संक्षिप्त शब्द है एम पी। अब यहां पर ए का यूज किया जाए कि एन का यूज किया जाए कि द का यूज किया जाए, तो यहां पर सिंगुलर नंबर होने के नाते यहां पर ए अथवा एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ए का यूज करेंगे कि आयन का, इसको सुनिश्चित करना। अब इसको भी उसी तरीके से आप पहले परीक्षण कर लें कि क्या इसका उच्चारण स्वर से हो रहा है कि व्यंजन से। ऐसा एम पी आप लिखेंगे, एम पी, एम ऐसा लिखा जाता है, यम नहीं लिखा जाएगा, यम, यम तो यमराज हो गए, एम, यस, एन, तो इस प्रकार बोलते हैं, तो उच्चारण ए से हुआ एम पी, इसका मतलब यहां स्वर से उच्चारण हुआ तो आयन का यूज होना चाहिए। तो मिस्टर शर्मा इज एन एम पी इन बिहार, इसी प्रकार है एस पी, एम एल ए, वहां आयन का यूज होगा क्योंकि सभी का उच्चारण स्वर से हुआ, भले ही वह अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट, एम तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो वह हिंदी के स्वर से आ रहा है, तो हमसे, हमको इससे मतलब है, इसके उच्चारण से, ध्वनि से, तो जब ध्वनि स्वर का हो तो आयन। इस तरह थर्ड क्वेश्चन है, गीता इज अ होली बुक, गीता यहां बुक का नाम है, जैसा कि एक फेमस बुक, एक धार्मिक पुस्तक, तो ग्रामर कहता है कि जब कोई विशेष प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हो तो उसके जस्ट पहले द का यूज होना चाहिए, तो यहां द गीता, द गीता इज अ होली बुक, द कुरान इज अ होली बुक, इस प्रकार कोई भी प्रसिद्ध बुक उसके पहले हम द का यूज करेंगे। और क्वेश्चन है, ही रीड्स इन यूनिवर्सिटी, अब यहां पर भी आप हिंदी में लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी या है, इसका मतलब व्यंजन से उसकी ध्वनि है, उच्चारण है, तो यहां भी आ होना चाहिए, तो ही रीड्स इन आ यूनिवर्सिटी। इस तरह से सुनिश्चित कर लेना है कि वाक्य में जो शब्द लिखा है उसका उच्चारण स्वर से हो रहा है या व्यंजन से हो रहा है। यदि उसका उच्चारण स्वर से है, हिंदी के स्वर से, तो वहां पर निश्चित रूप से हम आयन का यूज करेंगे, और यदि उच्चारण व्यंजन से है अर्थात हिंदी के व्यंजन से, तो वहां ए का यूज करेंगे, भले ही अंग्रेजी का अक्षर चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो। फिफ्थ है, यस्टरडे आई सा बॉय, कल मैंने एक लड़के को देखा, यह
सेंटेंस यहीं पर समाप्त हुआ, अगला सेंटेंस उसी में जुड़ा हुआ है, बॉय वाज ब्लाइंड, अर्थात कल मैंने लड़के को देखा लड़का अंधा था। यहां पर अ बॉय पहले से लिखा गया है और यहां पर उचित ऑर्टिकल भरना। तो ग्रामर के हिसाब से वाक्य में जब किसी चीज का वर्णन पहले हो चुका हो और उसके बाद उसका पुनः वर्णन करना तो वह विशेष स्वरूप लेता है, तो उसके पहले द का यूज होना चाहिए। अर्थात किसी वाक्य में पहले से किसी चीज का वर्णन हुआ हो और पुनः उसका वर्णन करना हो तो वह विशेष स्वरूप लेता है और उसके पहले द का यूज करते हैं। और लड़के का वर्णन पहले हो चुका है और पुनः उसी का वर्णन किया जा रहा है, अर्थात इससे पहले ही हम परिचित हैं, पुनः उसका वर्णन कर रहे हैं, तो विशेष स्वरूप लिया और द का यूज हुआ। यह रूल। इस क्वेश्चन आई हैव नेवर सीन सच, यहां पर ब्लैंक्स है, इंटरेस्टिंग मैन। ग्रामर रूल्स कहता है कि सच ऐसा शब्द है जिसके उपरांत आर्टिकल ए अथवा एन का यूज किया जाना उचित होता, अर्थात सच के तुरंत बाद ए अथवा एन जैसा उचित हो उसका प्रयोग होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर ए अथवा एन का यूज होना चाहिए, लेकिन यहां देख लें कि ए उचित पड़ेगा कि आई। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का पहला जो अक्षर हुआ अर्थात उच्चार ई से हो रहा है, स्वर से, जिसका हुआ यहां आई का यूज हो। तो आई हैव नेवर सीन सच एन इंटरेस्टिंग मैन। यहां पर ए का यूज भी हो सकता है जब यहां पर ऐसा कोई वर्ड हो जिसका ध्वनि, जिसका उच्चारण व्यंजन से हो, हिंदी के व्यंजन से हो। इसी तरह सेवंथ है, ही विल स्पेंड हाफ आवर इन दिस सिटी। ग्रामर रूल कहता है कि हाफ ऐसा वर्ड हाफ उसके तुरंत बाद भी ए अथवा एन का प्रयोग उचित माना जाता है, अर्थात हाफ शब्द के बाद भी ए अथवा एन का प्रयोग होना चाहिए। तो यहां पर हाफ का यूज हुआ है तो हाफ के बाद ए अथवा एन का यूज होना चाहिए, लेकिन यहां पर देख लें ए उचित पड़ेगा कि एन। यहां लिखा आवर, आवर का पहला अक्षर तो यच है लेकिन वो साइलेंट है, अर्थात आवर होते यच ओ यू आर, यच का ध्वनि हा से होता, लेकिन यहां पर यच साइलेंट तो आवर लिखा जाएगा आवर। तो आवर का पहला जो अक्षर हुआ वो स्वर का हुआ, हिंदी के स्वर, तो उच्चार स्वर से हुआ इसलिए यहां आयन का यूज होना चाहिए। तो ही विल स्पेंड हाफ एन आवर इन दिस सिटी, माना कि यहां मंथ होता हाफ मंथ, तो मां व्यंजन होता तो आ लगता हाफ अ मंथ, आधा महीना। तो ए एन का यूज आप उच्चारण के हिसाब से करेंगे, लेकिन यहां पर जो जानकारी दी गई आपको कि सच के बाद भी ए एन का यूज होना चाहिए और हाफ के बाद भी ए अथवा एन का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है, पंडित नेहरू आज खालिस्तान फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो ये ऑर्डिनल नंबर है, क्रमवाचक संख्या, किसी क्रम को सूचित कर रहा कि पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम आदि। तो जब जहां पर क्रमवाचक, क्रम सूचक हो वहां भी इंग्लिश रूल, ग्रामर रूल कहता है कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाए। तो पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, यहाँ पर ए एन का यूज नहीं करेंगे, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे जो भी, तो वहां उसके पहले द का यूज होना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। यहाँ पर ग्रामर रूल के अनुसार जब सुपरलेटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव वाक्य में हो तो उसके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। यहाँ पर बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, तो उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के पहले द का यूज करना उचित माना जाता है। तो यहां पर द।
तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब लास्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द फेमस इवेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी फ्रांसीसी क्रांति संसार की एक प्रसिद्ध घटना। तो जैसा कि ग्रामर रूल कहता है कि किसी इवेंट, कोई भी ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, जैसे रिपब्लिक डे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 15 अगस्त तथा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आदि, जो भी ऐतिहासिक हो घटनाएं, उनके पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का यूज उचित माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल द का यूज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये हिस्टोरिकल इवेंट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, तो एक हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। इस तरह से आर्टिकल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से हल करेंगे तो आपका आंसर सही जाएगा। आर्टिकल की पूरी जानकारी के लिए पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय आशुतोष पांडे, आप उसमें देखेंगे तो आर्टिकल से संबंधित 3 वीडियोस हैं, ए और एन और द का पूरी बृहद जानकारी उसमें दिया गया है, आप उसमें देख करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। चैनल यदि सब्सक्राइब न किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अब अगला टॉपिक लेकर के पुनः अगली कक्षा में मिलूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।